नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी मंत्रालय। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के बीच, यहाँ पे ONGC में जो वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप की, उसके बारे में। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है और ये डिटेल जो है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए ये अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। कुल पद की बात करें तो 4,182 पदों के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप निकाला गया है। और यहाँ पे आयु जो है सीमा 18 से 24 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, प्लस एज रिलैक्सेशन आपको अगर OBC हैं तो 3 साल, SC ST के लिए 5 साल यहाँ पे दिया जाएगा। आइए बात करते हैं डिटेल्स में, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाएंगे और यहाँ पे आप करियर ऑप्शन में आ जाएंगे। करियर ऑप्शन में आने के बाद आप रिक्रूटमेंट नोटिस में आ जाएंगे। यहाँ से आप रिक्रूटमेंट नोटिस में आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा, तो उसमें आप नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। इसमें बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे पड़ी हुई हैं जो रनिंग में है, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है इसका। और यहाँ पे जो है जैसे मेडिकल ऑफिसर्स, रिक्रूटमेंट डॉक्टर्स की, ये जो बहुत सारे पद हैं, ONGC नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी यहाँ पे पद हैं यहाँ पे जो। और हम बात करेंगे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन ONGC 2020-2021 यहाँ पे दिया हुआ है, 28 जुलाई को ये पब्लिश हुआ है। और इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये इसके ऑफिशियल जो है PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है और ये लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 17 अगस्त 2020 है। और डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो 29 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा। और इसमें ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और इसमें आप लोगों को एक टाइम ड्यूरेशन के लिए रखा जाएगा, ठीक है। और इसमें वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थर्न सेक्टर में देहरादून, दिल्ली और जोधपुर के लिए यहाँ पे वैकेंसी कुछ जो 228 पद है इसमें सभी में। इसमें आपका जो पोस्ट है वो है आपका अकाउंटेंट असिस्टेंट, HR सेक्रेटरी, रियल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, पोपा यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए, और मैकेनिक डीजल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में कुछ पद हैं। और ये दिल्ली, देहरादून और जोधपुर के लिए निकाली गई है और इसमें 228 पद हैं टोटल। और मुंबई सेक्टर की बात करें तो मुंबई और गोवा हाजिरा में 162 पोस्ट हैं और सेम पोस्ट यहाँ भी है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यूरान में भी आपका 764 पोस्ट है, यानी मुंबई सेक्टर का जो है आपका टोटल 764 पद हैं। और वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो कैम्बे, वडोदरा और अंकलेश्वर और अहमदाबाद और मेहसाणा के लिए यहाँ पे जो है 1,579 पद हैं। और ईस्टर्न सेक्टर की बात करके जोरहट, सिलचर, नाजिरा एंड शिव सागर में जो है आपका ईस्टर्न सेक्टर में टोटल 716 पद हैं। ये ऐसे ही सभी जो है रीजन के लिए यहाँ पे निकाला गया है। आप किसी इंडिया में किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 4,182 वैकेंसी है। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो है मिनिमम एज लिमिट जो है 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम यहाँ पे 24 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है, जो आपकी काउंट होगी 17 अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग। और आपका जो है रिलैक्सेशन जो मिलेगा, आपको SC ST है तो आप 5 साल और OBC है तो 3 साल। अगर आप PWD से संबंधित हैं तो आपको जो है पंद्रह साल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा SC ST के लिए और 13 साल यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट को यहाँ पे। अगर आप जनरल में से बिलोंग करते हैं और आप PWD में आते हैं तो आपको 10 साल यहाँ पे एक जो है छूट यहाँ पे दी जाएगी। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स जो है अकाउंटेंट पद के लिए है, असिस्टेंट कम रिसोर्सेज के लिए BA या BBA आपका होना चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर किसी भी यूनिवर्सिटी से,
सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपको आईटीआई होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, और आईटीआई कोपा ट्रेड के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर में। ड्राफ्टमैन सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये इसकी जो है सभी की अलग अलग यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स दी हुई है। स्टाइपेंड की बात करें तो इसमें जो 1961 के जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस डी ए अलाउंसमेंट वगैरह जो टी ए वगैरह कटता है उसका वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे आपको मेरिट बेस पे ये जॉब है। और आइए आप लोगों को बता देते हैं कि आप जो है इसकी अप्लाई तिथि जो है 29 जुलाई 2020 11 बजे से आपको स्टार्ट हो चुकी हो जाएगी और 17 अगस्त 2020 तक यहाँ पे इसका अप्लाई होगा और 24 अगस्त 2020 तक इसका जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा और आपको कन्फर्मेशन जो है आपको 1 सितंबर तक आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अभी तक आप फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर लें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियो और अपडेट्स पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।